नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिवाली पर घर जाने वालों की बढ़ रही भीड़, रेलवे आज से चलाएगा 250 स्पेशल ट्रेनें, जारी की लिस्ट। भारत में दिवाली के त्योहार की शुरुआत होते ही पश्चिम रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के लिए 200 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि मंगलवार 29 अक्टूबर को 120 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। इनमें से लगभग 40 ट्रेनों का प्रबंध मुंबई डिवीजन द्वारा किया जाएगा, जिसमें 22 ट्रेनें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोकप्रिय गंतव्यों तक जाएंगी। भारतीय रेलवे के अनुसार ये विशेष ट्रेन सेवा नियमित परिचालन का पूरक है, जिसमें त्योहारों की भीड़ और यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए कई अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनित अभिषेक की ओर से हाल ही में जारी प्रेस में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह इस व्यस्त समय में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची पर प्रतिदिन वास्तविक समय में जांच कर रहे हैं। पूर्वी रेलवे चलाएगा 50 अतिरिक्त ट्रेनें। पूर्वी रेलवे ने सोमवार को घोषणा की है कि वह दिवाली और छठ पूजा के दौरान 50 विशेष ट्रेन चला रहा है और 400 अतिरिक्त सेवा प्रदान कर रहा है। पूर्वी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि पूर्वी रेलवे ने इस साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 कर दी है। मित्रा ने कहा कि पूर्वी रेलवे इस साल दिवाली और छठ के त्योहारों के लिए पिछले साल की तुलना में अधिक ट्रेनें चला रहा है। पिछले साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या 33 थी, इस साल यह बढ़कर 50 हो गई है। बादरा भगदड़ के बाद रेलवे सतर्क। मुंबई के बादरा स्टेशन पर हुई दुखद भगदड़ की घटना के बाद भारतीय रेलवे ने बादरा टर्मिनस, सूरत, उधना, बड़ौदरा और अहमदाबाद जैसे महत्वपूर्ण उच्च यातायात स्टेशनों पर अधिकतम कर्मचारियों की तैनाती के साथ साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल की घोषणा की है। मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा टर्मिनस, बोरीबल, बसई रोड, वापी, बलसांड, उधना और सूरत सहित मुंबई डिवीजन के प्रमुख स्टेशनों पर 8 नवंबर 2024 तक प्लेटफॉर्म की बिक्री अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। इस उपाय का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और स्टेशन क्षेत्रों के भीतर सुचारू आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।